हे गाइस, मैं मोहम्मद शाबाश। शुरू करते हैं अपने कोर्स 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर, डेट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है गाइस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है देखते हैं और कहाँ से शुरुआत करनी है। गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि किस किस ने कौन किस तरीके से क्लासिफिकेशन दिया। फर्स्टली जो है गाइस, एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल को क्लासिफाइड किया। ठीक है गाइज, तो उन्होंने क्या किया, उनके अकॉर्डिंग देखें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो, ठीक है, उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है गाइज, प्लांट्स को देखें तो अगर उसमें हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। ठीक है गाइज, तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया है, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। और एनिमल्स को भी तीन, एनिमल्स को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया है गाइज, एनीमिया डेट इज एनिमल विदाउट आरबीसीज, मतलब जिन एनिमल्स में आरबीसीज नहीं पाई जाएंगी, इनेमिया जिनमें आरबीसीज पाए जाएंगे। ठीक है गाइस, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप ये सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले जो दिया था वो, फिर उसके बाद जो दिया, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये गाइस बहुत क्वेश्चन आता है कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। सो गाइस, के टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, सबसे पहले कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है गाइस, उस कार्लस लीनियस जो ने, ठीक है गाइस, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया था, डेट इज प्लांटिया एंड द सेकेंड वन इज इन एनिमलिया। ठीक है गाइस, किस क्राइटेरिया पे क्लासिफाइड किया था, बेसिक क्या थे क्राइटेरिया के, हम वो देखने जा रहे हैं। डेट इज सेल वॉल, के जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जिसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है गाइज, ये जो है क्राइटेरिया थे जिसपे कार्लस लीनियस ने दोनों को डिफरेंशिएट किया था, प्लांट या एनिमलिया को। ठीक है, तो गाइज इसकी ये चला नहीं है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या थे गाइज देखते हैं। गाइज इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता था कर पाया था, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकेरियोट्स एंड प्रोकेरियोट, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये हमें बेसिक क्लासिफाइड नहीं कर पाया, जैसे कि ना कर पाए हैं जैसे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकेरियोट, प्रोकेरियोट, तो उनको क्लासिफाइड नहीं कर पाया है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट किंगडम। अब जो नेक्स्ट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था, आर एच विटेकर ने दिया था गाइस। ठीक है, इन्होंने जो डिवाइड किया था वो फाइव किंगडम में डिवाइड किया था बेसिकली। ठीक है गाइस, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटियर, एनिमलिया। ठीक है गाइज, क्राइटेरिया बेसिस क्या थे, क्लास वाले के उसमें थे, लेकिन इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया थे, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर्स। ठीक है गाइज, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे ऑटोट्रॉप्स, इधर हाइड्रोट्रॉप्स, वट एवर। ठीक है गाइज, रिप्रोडक्शन और फेलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पे उन्होंने क्राइटेरिया, ये उसका उनका क्राइटेरिया था जिन बेसिस पे उनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइव किंगडम क्लास की, जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, ये देखते हैं, ये टेबल है, ये एनसीईआरटी की टेबल है गाइस, इसमें हम देख सकते हैं कि किस चीज़ को किन कैरेक्टरिस्टिक्स पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में डिस्टिंग्विश किया गया है। ठीक है गाइस, अगर कैरेक्टर के हिसाब से देखें गाइज, तो अगर सेल टाइप में देखें, सेल टाइप में जो प्रोकैरियोट हैं वो मोनेरा में रखे गए हैं। ठीक है गाइज, जो यूकैरियोट हैं वो प्रोटिस्टा में, और फंगी में भी यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, प्लांटिया में और एनिमलिया में। नेक्स्ट वन इज सेल वॉल। ठीक है गाइज, सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक मोनेरा में रखी गई है, कुछ में प्रेजेंट है कुछ में नहीं है, तो प्रोटिस्टा में रख दी गई है। ठीक है गाइज, और फंगी में प्रेजेंट, प्लांटिया में और एनीमिया में अब्सेंट सेल वॉल। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा जो होगा मोनेरा में अब्सेंट होगी, मोनेरा ग्रुप के जो भी एनिमल्स होंगे, ठीक है इस एनिमल्स प्लांट्स होंगे जो भी, मतलब डिस्टिंग्विश्ड होंगे, में मोनेरा ग्रुप में जो भी चीज़ आएंगी वो उनमें अब्सेंट होगी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी, और बाकी सब में प्रेजेंट होगी, फंगी, एनिमिया एंड प्लांटिया में भी प्रेजेंट होगी।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें गाइस, तो मोनेरा में सेलुलर होगी, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होगी, फंगी में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होगी, ठीक है गाइस। और प्लांटिया में देखें तो टिश्यू ऑर्गन स्टार्टिंग हो जाएगी प्लांटिया में, और एनिमलिया में भी ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक अपना फूड जो है खुद बना दें, ठीक है इस तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक, लेकिन फंगी में हेटरोट्रॉपिक, यानी डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है गाइज। प्लांटिया में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक होते हैं एनिमिया में, ठीक है गाइज। तो गाइज इसमें देखते हैं अब हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है गाइज। थोड़ा सा क्लासीफाइड कर दूँ, ठीक है गाइज। जैसे कि पहले सिस्टम क्लासिफिकेशन था, इंक्लूडिंग जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लूबेरी, एल्गी, मोसेस एंड फर्न, ठीक है गाइज, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो ये सब गाइज अलग अलग क्लासिफाइड किए गए हैं, ठीक है गाइज, कि बैक्टीरिया को किस में आएगा, ब्लू ग्रीन किस में आएंगे, मोसेस किस में आएंगे, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स, ठीक है। ये प्लांट्स में रखे गए थे, ठीक है गाइज। अगर पहले वाले क्लासिफिकेशन की बात करें, द कैरेक्टर आइडेंटिफाइड द होल किंगडम सेल वॉल इन देयर सेल, ठीक है गाइस। तो इसमें किस बेसिस पे रखे गए थे, उनकी सेल में सेल वॉल थी, ठीक है गाइस, उनकी सेल में सेल वॉल थी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इट ब्रोट टुगेदर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद द ग्रुप ऑफ देयर विच आर यूकैरियोट। तो इनको यूकैरियोट में, मतलब कि ये टुगेदर आ गए हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है गाइस, की वजह से, ठीक है गाइज। ऑल्सो ग्रुप टुगेदर मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर वन। तो इसमें गाइज मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर भी टुगेदर आ गए थे इसमें, ठीक है गाइज, क्योंकि सेम चीज़ें थी, ठीक है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड अंडर एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा जो है एल्गी में रखे गए थे, ठीक है गाइज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। इस क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स क्या था, ठीक है गाइस, ये क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था हेटरोट्रॉपिक ग्रुप्स की फंगी में, जैसे कि फंगी ग्रुप्स में हाइटरोट्रॉपिक्स है, इधर हाइड्रो ऑटोट्रॉपिक है, तो उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया था, ठीक है गाइस। व्हेन दीज कैरेक्टर्स कंसाइड द फंगी प्लेस इज सेपरेट, जब अगर हम अगर ना देखें उस चीज़ को कि हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है ग्रीन प्लांट्स, तो एक ही किंगडम में रखेंगे। लेकिन अगर हम देखा जाए कि उस चीज़ को देखा जाए कि हेटरोट्रॉपिक है ऑटोट्रॉपिक, तो वो सेपरेट ग्रुप में रखे गए हैं, किंगडम में रखे हैं, दैट इज फंगी में रखे गए हैं, ठीक है गाइस। तो किंगडम, ठीक है गाइस। प्रोकैरियोटिक वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, जो प्रोकैरियोट्स रखे गए थे डगेज में, वो प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए थे, ठीक है। और इससे इसके आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइज। अगर कोई भी चीज़ आपको समझना आई हो तो यू कैन राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक इट क्लियर। ओके गाइज, थैंक यू, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।